हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, अभी मैं निकल रहा हूँ काम के लिए और ये मेरे जो हाथ में लटकाया हुआ है ये औजार है, और ये जो है ये लकड़ी वाली फंटी है, इससे प्लास्टर का काम होता है। और बाकी पहाड़ में हम लोग पैदल पैदल निकलते हैं, काफ़ी दूर जाना है अभी मुझे, लंबा रास्ता है और चढ़ाई भी है थोड़ी, देख सकते हैं आप सामने चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये पीछे साइड से मैं आया हूँ और दोस्तों देख सकते हैं आप, आग भी लग गई है जंगलों में। और इस टाइम पे काफ़ी चारों तरफ धुंध छाई हुई है, सामने वाले पहाड़ों में आग लगने की वजह से पूरा धुंधलापन दिखाई देता है। और जब एक बार यहाँ बारिश हो जाएगी तो पूरा हरा भरा दिखने लगेगा। ये रहा हमारा ऊपर जाने का रास्ता। भारी, काफी भारी जंगल, एकदम घना जंगल है। इन जंगलों में दोस्तों बाघ भी पाए जाते हैं, काफी जंगली जानवर। और जो एक रास्ता जा रहा है यहाँ से नीचे को, ये एक ढोलडुंगरी का गांव है, उस गांव को जा रहा है। बाकी दोस्तों इस रास्ते में भी हम काफ़ी बार चले गए हैं, बकरियाँ लेके भी, वैसे भी काम काज में, शादी बरातों में आना जाना लगे रहता है। तो अभी मुझे फ़िलहाल दोस्तों ये चौड़े वाले रास्ते से जाना है, इसमें पहले गाड़ियाँ भी चलती थी, फिलहाल अब आगे से थोड़ा रास्ता ख़राब है, तो काफ़ी सालों से इस रोड पर गाड़ियाँ नहीं चली, क्या पता भविष्य में इस रोड का भी काम चले, ठीक हो जाए तो इसमें भी गाड़ियाँ भगने लगेंगी। काफ़ी शॉर्टकट है मार्केट के लिए यहाँ से भी, सामने के बाहर चारों तरफ धुंध है। अभी मैं पहुँचा हूँ आधे रास्ते में और सामने का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। मतलब पेड़ों का गेट टाइप का बना रहता है, ऐसा कुछ नज़ारा दिखा रहता है, बिल्कुल ऐसा बना है कि सुरंग टाइप की, देख रहे हो दोस्तों सामने से ऐसा लग रहा है, मतलब बढ़िया दिख रहा है ये। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गुफा के अंदर घुसना है मुझे। एक दूसरे में पेड़ों की टहनियाँ गई हुई हैं, तो ये तो बहुत घना है और काफ़ी सारे बांज के पेड़ हैं इधर ऊपर, ये सारे बांज के पेड़ हैं, और जहाँ बांज के पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ ठंडा ज़्यादा होता है। और ये रहा खाली मैदान, और यहाँ से पहाड़ भी नहीं दिखते हैं क्योंकि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। और सामने से मैं पीछे से आया हूँ और अभी मुझे जाना है ऊपर, देख सकते हैं मुझे जाना है इधर से, अब थोड़ा बहुत और ऊपर जाना है, तो यहाँ से निकलते रहते हैं, हम चलते रहेंगे, रुकना नहीं है, फिर अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग, अब मैं घर पहुंच चुका हूं और दोस्तों अभी मैं बैठा हूं घर में, और बहुत टाइम, मतलब दिन भर में बहुत सारा काम रहा और रास्ते भर में काफ़ी भारी जंगल था, और उसके बाद अभी मैं अपने घर में कमरे में बैठा हुआ हूं, और पीछे से बैठी हुई है रिचू, बंदर की तरह छुप रही है, देख सकते हैं आप लोग, रिचू ये मेरी पीछे छुप रही है, ये पीछे से चिल्ला भी रही है, और ये बहुत सारी बदमाशियाँ करती है इसलिए दोस्तों। और रात का समय है और मैं क्या आप लोगों के
रोटियां खा ली होगी और किसी ने तो खाई भी नहीं होगी। बाकी आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, दिन भर आपका सबका अच्छा कटा। और बाकी दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, दिन भर का मजदूरी लेबरी करके उसके बाद अभी पहुँचा हूँ अपने घर में और बैठा हुआ हूँ आराम से, खाना वाना खा के, खाना खा लिया मैंने क्योंकि खाना खाना ज़रूरी है, एक दिन भर काम होता है तो खाना खा के थोड़ी इसके बाद थके हुए हैं शरीर, आराम से सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, रोज़ का काम है, रोज़ की झाड़ी मजदूरी करने जाना पड़ेगा। और बाकी ये रीचू ना बहुत बदमाश हो गई है, इसको देख लो आप, पीछे पीछे पता नहीं क्या खा रही है, क्या खा रही है रीचू तो? पराठा बनाया था, पराठा खा रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये बैठे रहेगी अपना आप खेलते रहती है, शरारत भी बहुत करती है। और सामने से हमारी किट्टू आ गई है म्याओ म्याओ करके, अब ये मांग रही है दूध। और रीचू की दोस्ती है, रीचू रोटी पराठा खिला दे इसको, सारा पराठा इसने उसको दे दिया है, अब वो पराठा खाएगी। ये हमारी घर की बिल्ली है पालतू, बहुत ज़्यादा ये कहीं जाती नहीं है, इधर उधर यहीं रहती है। और ये रीचू आ गई है दोस्तों, आज के लिए इतना सा ब्लॉग बना रहा हूँ, और बल्कि आने वाली ब्लॉग का भी आप वेट करिए, आने वाला ब्लॉग इसे भी अच्छा बनाऊंगा। और बाकी दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी करते हैं दोस्तों। ओके बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय कर दे।